सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द अनिस पठान यूट्यूब चैनल में। ओके तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गूगल डिस्कवर के बारे में। ओके बहुत सारे लोग जो है गूगल वेब स्टोरी के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग जो है गूगल वेब स्टोरी पर काम करते हैं, लेकिन उनका यही एक कहना होता है कि हमारा जो है डिस्कवर ओपन नहीं हो रहा। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपका डिस्कवर ओपन होगा तो आपको जो भर के ट्रैफिक भी मिलेगा और आपको बहुत सारी जो अर्निंग भी हो सकती है। लेकिन ये जो डिस्कवर का ऑप्शन है वो कैसे एनेबल होता है, इसे हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं या फिर इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से हम कर सकते, तो ये सब कुछ हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स के अंदर। सर मेरे ऐसे भाई उनका मुझे कमेंट आ रहा है कि हमारा जो डिस्कवर जो ऑप्शन है इनेबल नहीं हो रहा है, तो हम किस तरह से इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिक होगी तो बताओ जिससे हम जल्दी कर पाए। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि डिस्कवर ऑप्शन क्या होता है, डिस्कवर ऑप्शन हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं या फिर कौन सा ट्रिक यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे ट्रिक्स बताने वाला है जो एकदम जेन्युइन ट्रिक है और जिससे आपका आपका डिस्कवर ऑप्शन एक या दो ही दिन में जो है अनेबल हो सकता है। ओके तो ट्रिक को जरूर फॉलो करना, उसके साथ साथ वीडियो को जरूर जो है लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको भी पार्ट मिस कर देते तो आपको जो है समझ भी नहीं आएगा कि आप किस तरह से कर सकते हो या फिर आपका जो है डिस्कवर ओपन नहीं होगा। ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। उसी के साथ साथ एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या फिर मेरे फेस को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए बता दूँ या फिर जिसे पता नहीं कि डिस्कवर क्या होता है, तो डिस्कवर फीड या फिर वेब स्टोरीज क्या होती है पता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता है डिस्कवर का, अगर आप मोबाइल में जाते हो तो आपको कुछ स्टोरी दिखाई दे देंगे। ओके स्टोरी ये जो है अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेगा कुछ स्टोरी दिखाई देता है, मतलब जैसा यूट्यूब पे शॉर्ट होता है उस तरह से जो है आप जो है गूगल पे इसे शॉर्ट इन्फो भी कह सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। ओके तो इसे कहते हैं वेब स्टोरीज या फिर गूगल वेब स्टोरीज। और जो गूगल वेब स्टोरीज जो डिस्कवर में जाते हुए जो ऑप्शन होता है जिसे दिखाई देते हैं उसे डिस्कवर कहा जाता है। ओके तो यहाँ पर किस तरह से दिखाई देता है ये हम बात करते हैं, होगा कि डिस्कवर का ऑप्शन किस तरह से दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो पोस्ट है फिर हमारे वेब स्टोरीज किस तरह से जा सकती है और हमारा जो सर्च कंसोल में किस तरह से जो है डिस्कवर ओपन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा डिस्कवर ऑप्शन किस तरह से ओपन होगा। तो सबसे पहले एक बात बता दूंगा, हमारा कौन सा भी पोस्ट या फिर वेब स्टोरीज अगर डिस्कवर में जाती है तो ही हमारा जो डिस्कवर का ऑप्शन है वो इनेबल होता है। ओके तो किस तरह से हमें जो हमारी पोस्ट है किस तरह से हमारे डिस्कवर में जा पाएंगी, ये सब करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा उस बारे में हम बात करते हैं। ओके तो सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके वो जो है ट्रिक किस तरह से आपने करनी है जो जिससे आपकी जो पोस्ट है डिस्कवर में जा पाए और आपका ऑप्शन इनेबल हो पाए। चलो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बता दूँ कि किस तरह से आप जो है कुछ ट्रिक यूज़ करके आपके जो पोस्ट या फिर वेब स्टोरीज हैं किस तरह से आप जो डिस्कवर फीड में स्टोरीज किस तरह से डिस्कवर में जाएगी जिससे आपका इनेबल होगा, उसकी प्रोसेस हम जानते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से आप जो है गूगल का जो डिस्कवर का ऑप्शन किस तरह से इनेबल कर सकते हो। ओके तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि दो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल के ऊपर। ओके गूगल के ऊपर टाइप करना है गूगल ट्रेंड। ओके ये सबको पता ही होगा लेकिन इसके अंदर ट्रिक क्या करनी है वो किसी को पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप चले जाना है गूगल ट्रेंड के अंदर। ओके गूगल ट्रेंड के अंदर जाने के बाद आपने इसे जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में बार में चले जाना है और यहाँ पे आपने ट्रेंडिंग सर्च पे चले जाना है। ओके यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सर्च दिखाई देगी, उसके बाद आपने क्या करना है रियल टाइम सर्च में चले जाना है। ओके और यहाँ पर आपको जो है जाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप बहुत सारे लोग जो है इंडिया में और जो है यूएसए के लिए ट्रैफिक के लिए जो है वेब स्टोरी बनाते हैं यहाँ से आप जो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप जो यूनाइटेड स्टेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने क्या करना है एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसे सेलेक्ट करना है। तो होगा क्या, अगर आप पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हो तो पर्टिकुलर एरिया में जो है कॉम्पिटिशन कम होता है, उससे क्या होगा आपका डिस्कवर जल्दी से ओपन होता है। आपने यहाँ से कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए के लिए बना रहे हो तो यहाँ से आप कुछ थाईलैंड या फिर तुर्की या फिर कुछ यूक्रेन नहीं करना है, या फिर आप जो है एक मैं जो है स्विट्जरलैंड कर लेता हूँ। ओके स्विट्जरलैंड करते हो तो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हो, उससे क्या होगा पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो है वेब स्टोरीज है वो रैंक होगी और आपका डिस्क्रिप्शन जल्दी से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखना है कि इस तरह से आपकी जो है यहाँ पर आपने आपका
एरिया कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने जो आपकी कैटेगरी सेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट का करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर स्पोर्ट का करने के बाद यहाँ पर उसके रिलेटेड बहुत सारे जो आपको ऑप्शन दिखाई दिए, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर इतने सारी जो है वेब स्टोरीज बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसी टॉपिक के ऊपर जो है वेब स्टोरीज बनानी है, ओके। इस टॉपिक की अगर बनाओगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस स्विट्जरलैंड के अंदर ये जो न्यूज़ है इसे बहुत सारे लोग जो सर्च करें, इससे क्या होगा, अगर आप इस पर करते हो तो ट्रेंडिंग सर्च के अंदर आपकी जो है वेब स्टोरीज आ जाएगी और आपका डिस्कवर ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। तो आपने इस टॉपिक के ऊपर बनाना है, आप जो है इसी टॉपिक के ऊपर बना सकते हो या फिर एक इसके ऊपर बनाना है और इसके ऊपर इसके रिलेटेड जो भी होगा उसके ऊपर बनाना है, ओके। तो इस तरह से आपका जो गूगल ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ओके। उसी के साथ साथ जो सेकेंड ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल के अंदर, ओके। गूगल के अंदर आपने टाइप करना है URL इस तरह से, इन URL, उसके बाद वेब स्टोरीज एक स्लैश दे देना है, उसके बाद डबल कॉमा करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी टॉपिक है गूगल ट्रेंड पे आपने देखना है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ओके, तो उसे आपने यहाँ से उठा लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक HSC फ्रैग बटन है, इसे मैं यहाँ पर जो है उठा लेता हूँ, ओके, इसे कॉपी करता हूँ, ओके, इस तरह से इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से दो स्लैश के अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कितने वेब स्टोरीज हमें दिखाई देगा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर एक भी वेब स्टोरीज नहीं बनी है, ओके। तो यहाँ तो कॉम्पिटिशन ही नहीं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर एक भी वेब स्टोरीज बनाते हो तो आपको जो रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। अगर मैं दूसरे कुछ अलग सा लेता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कुछ इसके अंदर बनी है क्या, ये फॉर एग्जाम्पल ये हेरता BCC इस पर कॉपी करता हूँ, ओके, इसे आपने क्या करना है इसके अंदर डाल देना है, ओके। यहाँ से मैं इसे डाल देता हूँ, फिर से सर्च कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर नौ वेब स्टोरीज बनी हुई, ओके। ओपन कर देखते हो सच में वेब स्टोरीज है या फिर सिर्फ ये पोस्ट है, ओके। तो मैं राइट क्लिक कर इसे ओपन कर देखता हूँ यहाँ पर, ओके, तो लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप देख सकते हो ये वेब स्टोरीज है, मतलब ये जो कोड है ये काम करता है, ओके। तो आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक के ऊपर डालना है यहाँ पर देखना है कि उस टॉपिक के ऊपर कितना सर्चेस है या फिर कितना जो है यहाँ पर आपको कंपटीशन समझ में आएगा। अगर आपके से कंपटीशन ही नहीं होगा उस टॉपिक के ऊपर तो आप इजीली इस पर रैंक कर पाओगे। अगर आपकी एक भी वेब स्टोरीज या फिर पोस्ट अगर डिस्कवर में जाता है तो आपको वहाँ से भर भर के ट्रैफिक भी मिलता है और आपका जो डिस्कवर ऑप्शन भी इनेबल हो जाता है, ओके। मैं और एक एग्जांपल आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिर से जाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ अलग सा टॉपिक, ओके। तो यहाँ पर डालता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक भी वेब स्टोरीज बनी नहीं है, ओके। यहाँ भी जीरो कॉम्पिटिशन है। अगर आप इस पर भी अगर बनाते हो तो आपको जो है आसानी से आपकी वेब स्टोरीज गूगल वेब स्टोरी में डिस्कवर में डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि गूगल ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है जो गूगल पर नहीं है या फिर उसके अंदर उसका कंपटीशन कम है। तो अगर आप देखोगे इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितने वेब स्टोरीज बने हैं या नहीं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ कर आपको जानने मिलेगा कि आपकी जो भी टॉपिक, आपको जानने को मिलेगा कि आपकी जो भी आपने टॉपिक चुना है उसके अंदर कितने वेब स्टोरीज बने हैं। अगर वेब स्टोरीज बने नहीं अगर उसके अंदर तो आप जो एक भी वेब स्टोरीज बनाते तो वो जो है ट्रेंडिंग सर्च में जरूर जाएंगी, ओके। तो इस तरह से ये दो ट्रिक था, आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से यहाँ से जो है गूगल ट्रेंड से आपका टॉपिक सर्च करना है और किस तरह से आपने इसके अंदर जाकर जो है सर्च करना है और आपको जो फाइंड करना है कि कितना आपके कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं तो जाहिर सी बात है आपकी जो है वेब स्टोरीज जो है डिस्कवर में जाओगी और आपका डिस्कवर ऑप्शन जो है इनेबल 100% हो जाएगा, ओके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ओके। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।